पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जितना जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही लेट होता है। और पापा से भी ना मिले ही जा रहा हूँ क्योंकि पापा को थोड़ा लेट हो रहा था आने में। पापा भेजते हैं अपने घनिष्ठ मित्र को उनके साथ उनके दो चक्के वाहन पर बुलेट पर दुगदुगाते हुए। सभी बैग को लाद के निकल जाते हैं हम स्टेशन की ओर। वैसे तो ये उम्र गोवा जाने की है बट गाँव जा रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल काम है। और हम पहुँचते हैं तलेगांव रेलवे स्टेशन। पहुँचने के बाद हम लेते हैं टिकट काउंटर से एक टिकट लोकल ट्रेन का जो हमें यहाँ से छोड़ेगी कल्याण स्टेशन। ट्रेन का वेट कर रहे होते तभी हमारे सामने से गुजरती है इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन बुलेट जिसको बोलते हैं वंदे भारत। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देखते देखते पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ जाते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है। मेरे बस की बात तो नहीं है कि मतलब इन लोग की तरह हम भी चढ़ जाएं उस पर। दूसरी खाली लोकल ट्रेन पकड़ कर पहुंच जाते हैं कल्याण स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर बैठ के मामा का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक लोकल आती है जिसमें से लोग भर भर के नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां लेके आते हैं और निकाल के स्टेशन पे सुखा रहे होते हैं। ये भीड़ रहती है। हमने जाके पता किया और पूछा तो पता चला कि ये कल नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, ये मुंबई में बेची जाती है। अगर पहले पता होता तो मैं गांव से खुद मंगा लिया होता और यहाँ पे बेच के कुछ पैसे कमा लिया होता। और यह मामा जैसे ही आते हैं वैसे उनका डब्बा खोल के मैं बैठ जाता हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख बहुत तेज से लगी होती है। हम लोग तो रात गुजारनी पड़ेगी। स्टेशन से रूम दूर होने के कारण और मॉर्निंग में हम लोग की ट्रेन होने के कारण हम लोग को आज स्टेशन पर ही बिताना पड़ा। खैर पूरी रात स्टेशन पर ही कटती है और मॉर्निंग होती है। ट्रेन आने में थोड़ी टाइम है तो हमने सोचा पहले ब्रश वश कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। और ट्रेन आती है हमारे तो मामा को दौड़ाते हैं, भाई साहब लेके दौड़िए जल्दी से बैग। ट्रेन आती है तो पता चलता है कि हमारा जो बर्थ है आगे की तरफ लगा हो तो हम लोग आगे की तरफ भाग के आते हैं। जैसे मैं अपने सीट पे जाता हूं, देखता हूं, मेरे सर के पास ही पॉइंट मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। पूरी रात जगे होने के कारण सोचते हैं थोड़ा सा सो लेते हैं, पर ये लोग सोने कहां देंगे। टाइम पास करते हुए हमारी ट्रेन पहुंचती है। इटारसी स्टेशन 8 बज गए हैं और यहाँ हमने खाना ऑर्डर किया था और हमें ये सर्विस बहुत बढ़िया लगा। प्रॉपर सीट पर खाना को डिलीवर कर गया। सबसे ज़्यादा कैचअप है, पूरा सीट पे ही ऑर्डर करके गया है। 14 रुपये की जीएसटी। खोलिए शर्माइए मत, खोलिए। तो हमारे मामा इसको अनबॉक्सिंग करते हुए जैसा देख सकते हैं ये गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा ही काला हो गया सर। मामा के मुँह में पानी आ रहा है इस करके बताते हैं। सलाद तो हम भी लोग लाए हैं अंदर और बैग में ये बटर लगा हुआ दिख जाएगा। मामा कैसा लग रहा है? जो भी खाना था बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, कोई उसमें कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ परफेक्ट था। जिस स्पीड से भूख लगी थी उसी स्पीड से हमने खाना को ख़त्म करके अब चलते हैं सोने के लिए। IRCTC वालों को पिछली वीडियो लग रही है मेरी पहुंच गई थी। भाई साहब रेलवे वालों से एक रिक्वेस्ट है कि यार ये वाइट चादर की जगह कोई और चादर दे दिया। वाइट ब्लैंकेट देते थे IRCTC वाले तो ऐसा लगता था मानो जिस रूम में डेड बॉडी रखी जाती है उस रूम में सुला दिया गया है। सो गाइस मैं चला आप सोने, आप सभी को गुड नाइट और मिलते हैं मॉर्निंग में। सुबह गए आप सभी को गुड मॉर्निंग। रात में सोया, सुबह पता नहीं कब 8 बज गए पता ही नहीं चला और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है क्योंकि स्टेशन प्रयागराज का है क्योंकि हमारे लिए स्पेशल ऐसा लग रहा है हम एक स्पेशल पर्सन है। अपने दांत को घिसी रहे होते हैं तभी मेरी ट्रेन चल देती है और निकल जाती है प्रयागराज की तरफ। अभी रास्ते में रुकती है संगम पुल पर और हम उतर के यहाँ से थोड़ा सेल्फी फोटो लेते हैं और बहुत ही सुकून और अच्छा सा नज़ारा दिखता है यहाँ से पूरा संगम का। यहाँ प्रयागराज में भाई का वेट करते हैं जो हमारा छोटा भाई यहाँ रहता है प्रयागराज में और लाता है हमारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ अपने हाथों से बनाया हुआ। तो ये होता है अंडा करी और रोटी। यहाँ पे देखने के बाद लगता है अंडा करी की स्पेशल होटल से ऑर्डर किया गया है बट ये खुद से बनाया हुआ है। प्रयागराज में हमें मिलते हैं बगल में एक अंकल जो अपने नाकों से बुलेट और हेलीकॉप्टर चला रहे होते हैं। मन तो ऐसा कर रहा था कि नाक में मिर्चा ठूंस दें पर ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि मुंबई से ये हमारे साथ नहीं मिले हैं वरना हमें परेशान करके रख रहे थे। और देखते ही देखते मेरी ट्रेन पहुंच जाती है हमारे गांव के स्टेशन पे। ओवरऑल सफर अच्छी रही। तो चलते हैं बाहर और वहां से ऑटो लेते हैं और निकलते हैं हम सीधे घर के लिए। और हाँ ये मेरी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।